नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वी फोर इनोवेटिव में। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, छोटी बचत योजनाओं में PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय ऑप्शन है, और इस बार गवर्नमेंट ने PPF खातों के लिए इंटरेस्ट दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इन खातों के लिए इंटरेस्ट रेट को 7.9% पर ही बरकरार रखा है। इस तरह आप PPF खातों पर करीब 8% की दर से इंटरेस्ट दरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि PPF खातों में आप इस तरह से निवेश कर सकते हैं कि आपको तगड़ा इंटरेस्ट मिल सकता है। PPF खातों में आपको मंथली आधार पर इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट हर महीने की 5 तारीख से लेकर उस महीने की आखिरी तारीख तक कैलकुलेट किया जाता है। आपके खाते में 5 तारीख को जो जमा बैलेंस है और महीने की आखिरी तारीख को जो रकम जमा है, उस पर आपके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर खाते में पैसा जमा करने हैं तो आपको हर महीने की 5 तारीख से पहले इस खाते में जमा कर दें, जिससे कि आपको पूरा इंटरेस्ट मिल सके। आपको बता दें कि हर साल की 31 मार्च को PPF खातों का साल भर का इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। हालांकि इसकी कैलकुलेशन मंथली आधार पर की जाती है। PPF खातों में मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स का होता है, और अगर इस खाते में आप नियमित तौर पर निवेश करते हैं तो आपकी जमा रकम अच्छी खासी बढ़ सकती है। PPF खाता बच्चों के लिए भी खोला जा सकता है और इसके जरिए आप उनका भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। PPF खातों में आप साल भर में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने बच्चों का भी अकाउंट खोला हुआ है तो इसका और आपका खाता मिलाकर भी आप साल भर में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आप साल भर में 12 से ज़्यादा बार PPF खातों में रकम जमा नहीं कर सकते हैं, और इस राशि की अधिकतम लिमिट भी 1.5 लाख रुपए ही है। PPF खातों में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर आपके खाते में एक महीने में 10,000 रुपए हैं और अगले महीने आप खाते में 5 तारीख से पहले फिर से 10,000 रुपए जमा कराते हैं, तो आपको दोनों महीनों की सम्मिलित राशि 20,000 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसी तरह अगर आप हर महीने खाते में पैसा जमा कराते जाते हैं तो पिछली जमा राशि के आधार पर आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी PPF अकाउंट है या फिर अगर आप PPF अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर मंथली पैसा PPF में जमा कर रहे हैं तो आप हमेशा 5 तारीख से पहले ज़रूर जमा कर दें, क्योंकि तभी आपको उस महीने का ब्याज मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता है, इसलिए आज हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए V4 इनोवेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।